जाओ कूदो कूद पड़ो घूमो। तो भैया लोग के साथ आए अभी हम लोग यहाँ पे बॉक खाली, ये बंगाल का है। अब आते के साथ ही ये हो गया है पूरा पागल, क्योंकि हम लोग करीबन सालों नहीं 7 महीना बाद समुंदर में आए ना रेगनार। आंटी आ गए हैं पैसा मांगने, खुश हैं, बिंदास हैं, एकदम ग्रे कलर का सैंड है यार, समुंदर भी साफ है, मस्त है यार। वाह, लेकिन लहर कम है, मुझे लगा था कि लहर ज़्यादा होगा नहीं इधर। ये दोस्तों हॉट डॉग जैसा दिख रहा है, अब आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये हॉट डॉग है, ये फल है, हॉट डॉग है। और यहाँ पे हम लोग गाइस अभी यहाँ रैगनार पे घुसा है तो आप लोग घुसाना मत। हम लोग यहाँ पे अबे रुक जा, ये कमल का फूल तोड़ लिए हैं, जो कि पहली बार मैं दो ही कलर का देखा हूँ। ये यूनिक कलर है, ये है बैगनी, बोले तो ब्लू ना, नहीं पर्पल, पर्पल पर्पल, हाँ। तो मैंने इसका मर्डर कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए किया था बस। देखिए आ गए ना समुद्र, अब आपको यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ कि किसी समुद्र की किनारे जस्ट यहाँ पे धान लगा हुआ है, बोले तो राइस। जो सबसे ज्यादा हंस रहे हैं मतलब वो ज्यादा ड्रिंक किए हैं, मतलब आप भी हंस रहे हैं सबसे ज्यादा। तो गाइस 7-8 महीना से हमको लगता है ज्यादा हो गया होगा, 9-10 महीना हो गया होगा, अब हम लोग आ गए हैं समुंदर के किनारे। और बहुत मन था, यहाँ पे लहर नहीं है ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही रहता है, हम लोग फोटो वीडियो लेने के लिए बैठे रहते हैं और वो अपना एंजॉय कर लेते। यहाँ 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 निकालो निकालो जल्दी निकालो, हाँ रेगुलर, यहाँ यहाँ यहाँ, अबे फाड़ दिया रेगनार। अच्छा कोई बात है, ठीक है, हाँ जिंदगी में यही मजा तो चाहिए। आप उठाओ मत जूता, फिर करेगा वो, इसको गड्ढा खोदने दो ना, शायद कुछ जीव या प्राणी निकल जाए। चलो थोड़ा मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चलो रेगनार, चलो 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 पानी में चलो, वो उसको बोलना नहीं होगा। चलो अंग्रेजी सॉरी, बहुत दिनों के बाद ठंडक पड़ गई शरीर में। वो छोड़ दीजिए ना, वो अरे भाई दौड़ाया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, देखो हम लोग ना, आपको पता होगा ये जो जूता दिख रहा ना, इसके आगे तक पानी था और थोड़ी देर बाद पूरा पानी गायब हो गया। रीज़न पता नहीं, हम लोग बहुत दूर तक इसका जो यहाँ पे जो हम लोग आए हैं ना,
इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूँ। अभी जाना पूरा आगे तक जाना कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये मिट्टी का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है अभी भी पानी वहाँ जमा हुआ है या नहीं, मतलब कहीं कम हाइट है कहीं ज़्यादा है, तो पैर आगे लगे कि यहाँ गड्ढा हो रहा है तो पीछे आप आ जाओ, फिर इधर से जाओ ऐसा। तो रखना देखो यहाँ पे खेल रहा है, ये देखो मस्त चीज मिला, गजब का चीज मछली का वाला कलर देखो। अरे यार मछली का ऊपर वाला है, मछली का जो ये अबरक जैसा लग रहा है ये मछली का, क्या बोल और ये ऐसा लग रहा है ना कोई पे। अरे फेंक कह रहे हैं जी, फेंक नहीं रहे हैं आप, इसको खा ले रहा है। आप लोग इसका मर्डर कर रहे हैं ना? नहीं आप ऐसे अभी कर रहे थे, एक्शन में आए हैं, देख देखिए इसको लेके जाके ऊपर पकड़ो वो खा लेगा। ये जिंदा है देखिए, ये गजब का प्राणी दिख रहा है, साला कूतरा। ये बीच में देखो पानी जब उधर चला गया तो यहाँ पे मिला है केला, और गाइस देखो ना बहुत फ्रेश केला है भैया, केला मिला है भैया, केला मिला है, केला मिला है। हाँ और हम सुनिए ना, हम लोग तीन लोग हैं, तीन केला मिला, खाइए। अजी ये देखो केकड़ा खाइए खाइए। अरे वो जिंदा है, अरे उसको रखिए ना, अलग ब्लॉग बनाएंगे। अरे नहीं खाइए ना, ये खाने का चीज नहीं है, मतलब ये होता है ना, अगर किसी को कुसा किसी को पूजा करते हैं या किसी गुजर किसी को कोई गुजर जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे पूजा करते हैं। मत खाइए मत खाइए, ये केकड़ा का मैदान है, होम टाउन है ये। अगर मेरे पास कोड़ने वाला औजार रहता है ना गाड़ी में लेके आता ना, यहाँ पे निकालता एक एक करके ना। इसका कलर देखो बस भैया, इसका कलर देखो। अरे यार गजब का ना, पर्पल एकदम। नहीं ये तो बीच में हाथ में मिला था वैसे मेरे को। ये देखिए देखिए ये देखिए मछली, ये देखिए ये बचना चाह रहा है, ये जाना चाह रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। अरे मछली पकड़ना है दोस्तों, कैसे पकड़े? अच्छा अच्छा हाँ 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 हाँ, पकड़ने के लिए जाल लगाया गया है यहाँ पे तो मछली दिख सकता है, जाल है ये, मछली देख रहे हैं मिल जा। अरे ये जिंदा है अभी इसमें, आ! 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 इतना स्पीड तो स्नेल नहीं जाता, ये कैसे जा रहा है? भैया पकड़िए ना, ये ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं, कोई इसको उठा पाएगा? उठाइए तो इसके अंदर भी है, देखिए इसके अंदर भी है, वो देखो वो निकल रहा है। हाँ गजब का साला भाग रहा है, पानी यूनिक मिला है ये देखिए ना। हम लोग दोनों रैगनर कुछ ढूंढ रहे हैं दोस्तों, गाइस पूरा ढूंढ रहे हैं, देखिए क्या मस्त लग रहा है। देख रहे हो ये एक चांद का शेप बना हुआ है ये, वाह। अब ऐसे धीरे धीरे मछली वहां से चली जाएगी। हाँ गाइस बहुत इश्यू हो रहा है, बांध बनाने की कोशिश की लेकिन कभी इधर डाल रहा हूँ तो इधर से पानी आ जा रहा है, कभी उधर डाल रहा हूँ तो उधर से पानी आ जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग करें क्या। ये बांध को रोका कैसे जाए, सैंड है बह जा रहा है पानी में। गाइस हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो देखो सॉल्ट वाटर है, मतलब समझो कि समुंदर से 10% कम समझ लो सॉल्ट जैसा लग रहा है टेस्ट। ये क्या, ये लीच है कि क्या है, पहले ये मुझे बताओ। लेकिन ये कुछ अलग ही है यार, ये लीच कैसे हो सकता है? देखो ये बहुत सारा दिख रहा है जमीन में, अब मैं इसको डर नहीं रहा हूँ, मैं पकड़ दे रहा हूँ। रैगनर को लीच रहने के बाद मेरी फटती है बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, बताओ ये क्या है। अगर लीच होगा तो खून चूसेगा। खून चूसो, देखो खून तो नहीं चूस रहा ये, क्या है ये भाई? अरे मेरे को खोदने दे भाई। क्या मतलब कुआं बना रहा है? रैगनर को फंसाना चाहिए। तेरा मालिक डैम बनाया तो कुआं बना रहा है, तो पूरा डैम टाइप दिए।
दोस्तों इतने बड़े डॉग के साथ आप ट्रैवल करोगे तो काफ़ी डिफिकल्टीज क्रिएट होंगे, बट हम लोग 3 साल दे दिए दोस्तों इस ट्रैवलिंग में और बहुत जगह घूम लिए। कोलकाता बहुत बार आए लेकिन नहीं घूम पाया। इस बार भैया और भाभी मिले, थैंक यू सो मच उनको। उन्होंने बंगाली कल्चर में डूबने का मौका दिया, समझने का मौका मिला, होस्ट में मतलब बहुत सारे स्वीट्स खाने को मिला, बंगाली फूड मिला और इतने अच्छे एक्सप्लोर करने का उन्होंने मौका दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाला ब्लॉग काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों।